Yo sé con la cara de alguien. मेरा नाम रीना है. मैं बेसिकली हिमाचल की हूँ. लाइफ के लिए कुछ खास नहीं है, ऐसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ. हिमाचल से मैंने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद दिल्ली आ गई. दिल्ली आने के बाद मतलब इतना दिल्ली के माहौल को देख के सब लोगों को इतना डर लगता था कि पता नहीं कहाँ आ गई, कहाँ फंस गई. गाँव के एरिया से आके कैसे लोग घबराहट होती थी बाहर निकलने में. इवन सड़क भी रोड भी क्रॉस नहीं कर पाती थी. रेड लाइट का वेट करती रहती थी, फिर भी देखती थी साथ में कोई है तो वो चलेगा तो मैं भी निकलूँगी आगे. फिर उसके बाद शादी हो गई यहीं पर. फिर उसके बाद भी कुछ खास नहीं हुआ. थोड़े दिन जॉब करी शादी के बाद मारुति के शोरूम में. फिर उसके बाद बच्चे बच्चे हो गए थे, जॉब वगैरह सब छूट गया. फिर मैंने घर से ही सोचती थी कि कुछ करूँ, तो मैंने घर से ही पॉलिसी का काम किया. तो करती तो थी, 15-20,000 रुपीज़ अर्निंग आ रही थी उसमें, पर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था कि क्या करूँ. मन में हमेशा से था कि कभी किसी भीड़ का हिस्सा ना बनूँ. तो फिर ऐसे ही फेसबुक पे दी की पोस्ट देखी. ये पहले से मैं इनको जानती थी, पर मैंने जब इनकी पोस्ट देखी और सीनियर मैनेजर का इनका रिकॉग्नाइजेशन देखा फेसबुक पे, तो फिर मैंने पूछा दी क्या है. उन्होंने बताया कि मैंने ज्वाइन कर लिया. घर वालों ने मना किया कि क्या लिपस्टिक बिंदी का काम करेगी, पर मैंने बोला नहीं मेरे को करना है. फिर मैंने किया तो पॉलिसी का भी कर रही थी साथ में, पॉलिसी एजेंट भी. तो हो नहीं रहा था. मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था 28 को लास्ट ईयर. तो दिसंबर तक ऐसे ही चला. मैंने सेल्फ ऑर्डर से अपने 3% किया. फिर जनवरी से सोचा कि नहीं. मैंने दीदी का वो देखा था गोल्ड रिकॉग्निशन वाला वीडियो, उसको देख के रोंगटे खड़ी हो गई कि ऐसे अम्ब्रेला लेके कोई पीछे चल रहा है और इतनी रिस्पेक्ट मिल गई है, कुछ तो बात है. फिर मैंने जनवरी से सोचा कि नहीं, पॉलिसी का काम नहीं करूँगी, सिर्फ ओरिफ्लेम करूँगी. उसके बाद मैंने जनवरी में 6% किया, फरवरी में 9%, 12% दोनों एक साथ किए. फिर मैंने 15 किया, 18 किया, और अभी लास्ट मंथ मैंने सीनियर मैनेजर किया है. कौन और गोवा क्वालिफाई कर चुकी हूँ, श्रीलंका भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ. पूरी कोशिश है कि स्पेन जाना है.